पाकिस्तान में कोरोना बेकाबू, एक ही दिन में रिकॉर्ड 97 जिंदगियां निकल गया। अमवात की कुल तादाद 1935 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क में वायरस के 4734 नए मरीज सामने आए हैं। वायरस के तस्दीकशुदा केसेज अब मजमूई तौर पर 93,000 तक जा पहुंचे हैं। पाकिस्तान में न सिर्फ कोरोना केसेस की तादाद में बल्कि इससे अमवात में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क में कोरोना वायरस के 4734 नए मरीज सामने आ गए हैं, जबकि एक दिन में 97 कोरोना मरीज जाँ बहक हो गए हैं, जो एक रिकॉर्ड है। पाकिस्तान कोरोना वायरस के मरीजों की फहरिस्त में 17वें नंबर पर आ गया है, जबकि कोरोना वायरस केसेस अब मजमूई तौर पर 93,983 हो चुके हैं, जबकि इस मौजी वबा से जान बहक अफराद की कुल तादाद 1935 हो गई है। पंजाब में कोरोना के मरीजों की तादाद एक बार फिर दूसरे सूबों से ज्यादा 35,308 हो गई है, जबकि इससे हलाकतें भी दूसरे सूबों से ज्यादा 659 हो गई हैं। सिंध में अब तक कोरोना वायरस के 34,889 मरीज सामने आए हैं, जबकि 615 कोरोना मरीज जान की बाजी हार चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के मरीजों की तादाद 12,459 हो चुकी है, जबकि अमवात 541 हुई है। बलोचिस्तान में 5,776 मरीज अब तक रिपोर्ट हुए हैं, जहाँ 54 अफराद इस मर्ज से इंतकाल कर चुके हैं। वफाकी दारुलहुकूमत इस्लामाबाद में 4,323 कोरोना वायरस के मुतासरा मरीज हैं, जबकि 45 अफराद इस वबा से जान की बाजी हार चुके हैं। गिलगित में 897 कोरोना वायरस के मरीज सामने आए हैं, जबकि इससे 13 अफराद जान बहक हुए हैं। आजाद कश्मीर में कोरोना के अब तक 331 मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जबकि इस वायरस से 8 मरीज जान बहक हो चुके हैं। कोरोना वायरस के मुल्क में 59,467 मरीज अब भी अस्पतालों, करंटीना मराकज और घरों में आइसोलेशन में हैं, जबकि 32,581 मरीज इस बीमारी से सेहतयाब हो चुके हैं।